कानपुर शहर में आज जुमे की नमाज के चलते 17 कंपनी पीएसी और 3 कंपनी आरएएफ को तैनात किया गया है। आरएएफ अगर आज कोई हिंसा होती है तो कैसे निपटेंगे आरएएफ के जवान, इसकी ब्रीफिंग चल रही है सद्भावना चौकी पर, और सद्भावना चौकी में उनके अधिकारी उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए पत्थरबाजी चालू होती है तो पत्थरबाजी के दौरान उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये उनको बताया जा रहा है। और पूरे आरएएफ जो, ये देखिए, ये एक ड्रिल हो रही है, इस तरह से अगर पत्थरबाजी होती है तो उनको रोकना होगा और कैसे अपने सहयोगी को बचाना होगा, इस बार बार ब्रीफ किया जा रहा है। सभी बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। देखिए, ये कहा जा रहा है कि अगर पत्थरबाजी होती है तो आप मैदान छोड़ करके भागेंगे नहीं, आप वहीं पर रहेंगे, और एक व्यक्ति, एक जवान दूसरे जवान को किस तरह से कवर करेगा, ये देखिए कवरिंग पोजिशन है और खुद कवर करने की बात बताई जा रही है। ये देखिए, दोनों ही कवर हो जाएंगे इस तरीके से, ये सिचुएशन में अगर पत्थरबाजी होती है। पिछले बीते शुक्रवार को जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई थी तो मैदान छोड़ करके जाना नहीं है। पिछली बार हमने देखा था कि बीते शुक्रवार को जब पुलिस पर पत्थरबाजी हुई तो पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा था, और बैकफुट पर ना आना पड़े आरएएफ के जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। स्पेशल ट्रेनिंग दे करके ये किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि मैदान नहीं छोड़ना होगा। आरएएफ की 3 कंपनीज को यहाँ पर लगाया गया है, जो स्पेशल शासन से आईपीएस अधिकारी आए हैं, अविनाश पांडे, देखिए हमको, हम देख रहे हैं, डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार हैं, चारू निगम आईपीएस अफसर जो शासन की तरफ से भेजी गई हैं। तो आरएएफ की जो ये टुकड़ी है इसको बताया जा रहा है, देखिए ये कंपनी है आरएएफ की, और आरएएफ को बताया जा रहा है कि मैदान नहीं छोड़ना है, अगर कोई चुनौती पेश आती है तो उस चुनौती का सामना करना होगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।